So this is my food look. Santa baby, just. और ये कबूतर, oh my god. So see you in a while. Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing really well and great in your lives. तो चलें आज का vlog start करते हैं. और आज का vlog जो है आज हम कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह तैयार होकर. और while it's like almost 6 in the morning, ठीक है. तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लंदन, ठीक है. ऑब्वियसली इट्स क्रिसमस और तो जाहिर सी बात है वी हैड टू गो देयर. और तो आपको भी लेकर चलेंगे, ठीक है, डोंट वरी. और तो बस ये कि आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल रेडी, ठीक है. बट इसके ऊपर आई एम जस्ट वेयरिंग दिस वन द ब्लेज़र, ठीक है. इसके ऊपर मैं ये ब्लेज़र पहनूंगी और देन मैं बिल्कुल डन हो जाऊंगी. और बाकी ये कि सर्दी है तो उसके लिए लॉन्ग कोट इट्स इम्पॉर्टेंट, वो भी रखना है. तो वो बस करना है और बस ये कि क्विकली हम निकल रहे हैं क्योंकि हमारी बस आने वाली है. तो सो या वी हैव टू कैच आवर बस. सो सी यू इन अ व्हाइल. सो दिस इज माय फुल लुक, ठीक है. सो या और इसके ऊपर जो है अगर मुझे सर्दी लगती है जो कि डेफिनेटली लगेगी तो मैंने कोट रखा हुआ है. दिस कोट इज गोइंग अलॉन्ग विद मी, ठीक है. तो अभी बाहर निकलूंगी तो इफ़ आई वुड नीड टू वेयर दैट तो विल डेफिनेटली वेयर दिस वन. कुछ ऑर्डर किए हुए अभी मैंने अपने लिए कोट्स वगैरह पॉलिस्टर से, तो वो आएंगे आई डोंट नो व्हेन बट ये कि मे बी सून. तो सो या दिस इज द अपडेट. तो चले बस आपसे मिलते हैं, विल सी यू इन अ व्हाइल, बाय बाय. तो खैर अभी मैंने कहा अपडेट आपको दे दें. तो अभी हम हाइड पार्क पहुंच गए हैं और जहां पर विंटर वंडरलैंड है, ठीक है. तो अभी आपको भी दिखाते हैं. तो सो या अभी पहुंचे हैं हम लोग और ठंड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है. तो मैंने तो नीचे से थर्मल भी पहने हैं बट स्टिल मतलब मुझे बहुत सर्दी लग रही है. तो खैर लेकिन ये कि आई थॉट कि आज शायद सनी डे होगा. रास्ते में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सन दिख रहा था. तो लेकिन ये कि लुक एट फुल ऑन जो है ना ठंड हो रही है इस वक्त ना. और हाथ जो है ना वो कांप रहे हैं. तो बड़ी मुश्किलों से मतलब मैंने कहा कि चलो यार आपके लिए वीडियो शूट करनी है तो कंटेंट जो है आपके लिए बनाना है तो इतनी कुर्बानी तो मुझे देनी ही पड़ेगी. तो ग्लव्स पहने हुए मैंने, ठीक है. बाकी ये है कि अभी हाइड पार्क में पहुंच चुके हैं. वैसे ये बहुत बड़ा पार्क है लंदन का और यहाँ पे भी मैप पे सर्च करना पड़ेगा कि विंटर वंडरलैंड किस साइड पर है. बट आई थिंक इस साइड पर है मुझो, है ना. ये सामने देखो लाइट्स वगैरह. तो खैर आपको भी दिखाएंगे और आपको भी साथ में लेकर चलेंगे और आप मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल करें विंटर वंडरलैंड का विजिट कीजिएगा. सो या इतना सूदिंग लग रहा है ये यहाँ पर वेदर और ये डक्स और ये कबूतर, ओह माय गॉड बहुत ही आंखों को सूदिंग लग रहा है. देख के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इनको. बस ये कि अभी एंट्री होगी तो फिर आगे अंदर जा के दिखाते हैं. बस एंटर हो चुके हैं और आगे जो आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में जितना मैं दिखा सकी, जितनी मेरी मतलब कोशिश हुई मैं आपको दिखाऊंगी. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट यू नो
बट यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर टिल नाउ। ये बहुत प्यारी सी चीज़ है, ये राइड्स हैं इसके अंदर आपको दिख रही होंगी। और ये खानों के स्टॉल्स हैं। यहाँ पर क्रिसमस मार्केट है और यहाँ पर डिफरेंट आपको स्कार्फ और ये शॉल्स वगैरह जो है ना गरम ये मिलती हैं यहाँ पर, इस तरह से स्टॉल्स लगते हैं। वैसे क्रिसमस मार्केट तो हमारे जब हमारा घर है यहाँ पर, ठीक है, बिस्तर में, तो वहाँ पर भी है और इसी तरह से स्टॉल्स हैं, बट इतना बड़ा नहीं है ऑब्वियसली। और लेकिन ये कि वहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स हैं खाने पीने के और इस तरह से जो है कपड़ों के और इस तरह से। बट अभी हम फर्दर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको बीच बीच में जितना हो सका मैं क्लिप शेयर करती जाऊंगी आप लोगों के साथ। अभी हम जा रहे हैं स्केटिंग करने और भाई स्केट को दिखा नहीं सकेंगे आपको बिकॉज ऑब्वियसली इसमें अलाउ नहीं है कैमरा वगैरह, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। और अकेले में जाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले जाके करके आ जाऊँ और हस्बैंड मेरी वीडियो बना दें, दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज आई एम सो स्केट। तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ वैसे भी, तो मुझे आइडिया नहीं है। और दूसरा ये कि आइडिया से ज़्यादा जो है मुझे डर ज़्यादा लग रहा है, तो अब देखते हैं कैसा जो है वो एक्सपीरियंस होता है। एंड काइंड ऑफ एक्साइटेड बट नर्वस एट द सेम टाइम। सो या आपको एक्सपीरियंस बता सकते हैं बाद में, एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और कैसा जो है वो मुझे लगा और लाइक डिड आई एंजॉय नॉट एंड सो या। बाकी टिकट वगैरह हम लोगों ने ख़रीद ली हैं, अभी 12 बजे तक का जो है टाइम है, तो बस ये कि 10-15 मिनट के लिए वेट करेंगे यहाँ पर। तो बस ये है, मुँह से धुआं निकल रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो बाकी ये कि सो या मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी है, लेकिन ये मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब मैंने कभी भी नहीं किया लाइफ में, और तो इस वजह से जो है जाहिर सी बात है। सो या बट या और सारा जो ना एक और चीज़ जो स्केयरिंग है वो ये भी है कि ये सब ओपन में है और सब लोग और लाइक लोग आकर देख भी रहे हैं वहाँ पर खड़े होके, तो अगर मैं गिर गई तो तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि अगर मैं गिर गई तो फिर क्या होगा। बट चलो खैर कोई मसला नहीं है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस जो है वो करना चाहिए, न्यू एक्सपीरियंस और कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। तो काफ़ी अर्से से हम लोग सोच रहे थे कि ये करेंगे, और लास्ट टाइम भी हम लोग ब्रिस्टल में गए थे तो वहाँ पर भी इसी तरह का समर फेस्टिवल था बेसिकली, लेकिन ये कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा उस वक्त तो समर था तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता था। बट ये कि अब मौका मिला है तो वाई नॉट टू ट्राई दिस एंड विल लेट यू माई एक्सपीरियंस। एंड सैया तुम्हें कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हो या नर्वस? हाँ मतलब मेरे हस्बैंड और मैं तो फर्स्ट टाइम, हम दोनों का फर्स्ट टाइम ही है वैसे स्केटिंग का, तो लेट्स ट्राई और विल शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू गाइस। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।
वी आर रेडी फॉर स्केटिंग. अंदर तो नहीं दिखा सकूंगी आपको, बट ये कि यहाँ पर ही मैंने करके चले हम दिखा देते हैं. बाकी कि मैंने अपने शूज़ पहन लिए हैं और मुस्तफ़ा जो है वो अपने शूज़ पहन रहा है. एंड देयर इज़ लाइक सो मैनी पीपल. और बहुत ज़्यादा रश है आज, बहुत ही ज़्यादा. और हालांकि हम लोग जो है ना ऑफ पीक टाइम है वैसे ही, और मतलब मॉर्निंग का टाइम है, बट ये कि फिर भी इतना रश हो, लाइक वीक डे के अंदर भी इतना ज़्यादा रश है. बट या बाकी लाइक देखते हैं और फिर आपको एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी, बिकॉज अंदर अलाउ नहीं है, कैमरा नहीं आप निकाल सकते उतना. और सो या बाकी ये कि ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है. और सो या फिर दिखाते हैं. Although camera wasn't allowed there, but I requested my husband to make that clip, so he did that for you guys only. We मजा तो बहुत आया, enjoy तो बहुत किये, but ये कि गिरी भी मैं बहुत हूँ, तीन चार बार गिरी हूँ मैं. और लेकिन ये बहुत मजा आया, बहुत ही ज़्यादा enjoy किया. अब ये जूते उतारेंगे, ये ठीक है, बस अब shoes उतारेंगे और अपने जो shoes लेंगे तो फिर सुकून आएगा. But ये कि मैं तीन बार गिरी हूँ, ठीक है. और एक बार तो मैं इतनी बुरी बार गिरी हूँ कि यहाँ पर मतलब मेरे रिब्स पे हाँ अच्छी खासी जो है वो चोट लग गई थी. बट आई मैनेज टू गेट अप अगेन एंड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस और आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्जॉय अ लॉट एंड आई डिड लिटरली सीरियसली. मतलब मुझे बहुत मज़ा आया. बट ये कि हाँ जिन लोगों को ज़्यादा अच्छा आता था उन्होंने तो बहुत ही अच्छा किया, बट ये कि हम जैसे जो थे बहुत ही ज़्यादा तो उन्होंने बस एवरेज ही किया ऑब्वियसली. लेकिन ये कि बट वी मैनेज टू डू दैट और मुझे बहुत मज़ा आया. तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था यार, तो पिक्चर फुल नहीं आ पाई. चलो खैर है, मतलब लेकिन ये कि फुल पिक्चर नहीं आई, बट ये कि किसी से क्या वो हर कोई फुल गिरा था. हाँ सब लोग ही इतना गिर रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा पैनिक था और रश भी बहुत हो गया एकदम से, है ना. बट ठीक है, अभी हम निकल रहे हैं तो बाकी देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं. Also, part 2 of London trip video will be coming real soon. Maybe I'll be posting that video tomorrow. I'm not sure, but yeah. If you like the video, please like the video and comment, share. And if you are new here, please do subscribe to my channel. And we'll see you in my next video. Till then, Allah Hafiz.